छोटौन बड़ा वाला टीवी सेट कर रहा है और ये देख बाबलू पूछता है, ये सब क्या है छोटौन? घर में टीवी तो था, बड़ी स्क्रीन पे क्या सबूत बेहतर दिखाई देगा? हाँ, तुमने देखा है क्या सबूत? हाँ छोटौन, मोदी जो भी सबूत है ना पुलिस अपने साथ लेकर आएगी, अब मेरे देखने ना देखने से सबूत बदल थोड़ी जाएगा। नहीं, वो तुम कब से उतावले होकर सब तैयारियां कर रहे हो, बस इसीलिए पूछा। आप आराम से बैठो, सब कुछ पता चल जाएगा थोड़ी देर में। और अब बोस परिवार में हलचल तेज है और शुभो मीनू को देख, तुम कब आई? बस 5 मिनट हुए, और पुलिस की टीम भी आती ही होगी। और ये बात सुनकर कि पुलिस आने वाली है, थोड़ा असहज महसूस तो करते हैं सब, क्या होगा आखिर? जहां अब तनुजा मीनू की बड़ी तारीफ करती है, आपकी एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी, आप सही को सही कहती है और गलत के खिलाफ आवाज उठाती है, ऐसे अच्छे लोग आजकल मिलते कहां हैं? थैंक यू मेजर बॉडी, अच्छा लगा ये जानकर कि आप मेरे बारे में ऐसा सोचती है। पर छोटौन के दिल में क्या चल रहा है किसी को भी नहीं पता। अब आपने इतना अच्छा काम किया है तो तारीफ तो करनी ही चाहिए ना मुझे। आप पुलिस स्टेशन गई, उस क्रिमिनल लड़की के खिलाफ पुलिस को सबूत इकट्ठे करने के लिए आपने इंसिस्ट किया। That was so helpful of you. पर मेरी समझ में एक बात नहीं आ रही है, अगर पुलिस के पास उस लड़की के खिलाफ सारे सबूत है तो जरूरी तो नहीं है ना कि यहाँ घर आकर इतना सब कुछ अरेंज करके हमें सबूत दिखाए, क्यों? और ये सुनकर अब मीनू कुछ नहीं बोलती। आखिर जिसे बोस परिवार क्रिमिनल समझ रहा है, क्या ये सच निकलेगा उनके हिसाब से? दिमाग की उपज ही तो है। सीधा सबूत लेकर कोर्ट क्यों नहीं गए, और यहाँ आने का क्या मतलब है, वो भी उस लड़की के साथ? और ये सुनकर भी मीनू कुछ नहीं बोलती और छोटौन देखता है अपने दादा को। अब उस लड़की के साथ यहाँ आएंगे तो पुलिस स्टेशन कब वापस जाएंगे? और सूरज ढलने के बाद फीमेल्स को ना पुलिस स्टेशन में रख सकते हैं ना कोर्ट ले जा सकते हैं। अब ये सारा कंफ्यूजन उनके आने के बाद ही क्लियर होगा। मैं भी इस बारे में कुछ ज्यादा नहीं जानती, हाँ लेकिन उनके पास में कोई सॉलिड प्रूफ है। और ये सुनकर शुभो चिंतित है कि क्या हो सकता है ये सबूत। क्रिमिनल के सामने क्राइम पेश किया जाएगा तो वो पीछे तो नहीं हट सकती ना। और लॉयर के सामने बात रख रही है मीनू तो कैसे गलत बोलेगी। और अब बिपाशा भी मीनू की तारीफ करती है, आपने बिल्कुल सही कहा, क्रिमिनल इस बार पीछे नहीं हट पाएगी और उसे सजा मिलकर रहेगी। मैं तो बस सृष्टि आंटी के बारे में सोच रही हूँ, बेचारी उनकी बेटी शादी के मंडप से सीधा हॉस्पिटल में पहुंच गई। अर्शी की शादी होनी थी, एक नई जिंदगी की शुरुआत करनी थी, उसे सब कुछ अधूरा रह गया। लेकिन हुआ क्या, डेकोरेटर पंडाल उखाड़ के ले गया, जहाँ शादी की शहनाई बजनी चाहिए थी वहां पर ऑपरेशन का डर सर पर है। और ये सब किसकी वजह से हुआ? उस लड़की झनक की वजह से। और अब धीरे धीरे मीनू देखती भी है और सुनती भी है परिवार में झनक के प्रति क्यों है इतना घृणा, उसके लिए किसी के भी मन में इज्जत क्यों नहीं। और तभी आती है अप्पू दी, जहां लाल फोन पर बात करने जाता है और हाँ आ रही है। और तुम अगर उसके साथ दोस्ती निभाओगी ना तो जहाँ वो जाने वाली है तुम्हें भी वहीं भेज देंगे। वो कहाँ गई है मंजू काकू? थोड़ी देर रुक जाओ, सब पता चल जाएगा। जो बड़े बड़े गेम खेलती है ना वो लड़की, उसको समझ में आएगा उसका अंजाम क्या होता है। और मीनू ये भी सुनती है और ताज्जुब करती है जब सिर्फ बाबलू, थाने में जो कुछ भी हुआ मैं उसमें शामिल नहीं था, मैं तो बाहर खड़ा था। ये जो भी सबूत का मैटर था ना, इसके बारे में सिर्फ नालिनी और पुलिस वालों को पता था। मुझे तो सिर्फ एक चीज पता है कि झनक कभी भी गलती नहीं कर सकती। तो ये है बोस परिवार की असलियत मीनू के सामने। तुम ये सब कुछ क्यों बोल रहे हो? मृणालिनी क्या झूठ बोल रही है? हाँ, पुलिस सबूत लेकर आ रही है और तुम अभी भी इसी बात पे अड़े हुए हो कि वो लड़की बेगुनाह है। हम लोग आपस में क्यों बहस कर रहे हैं? बाबलू तुम शांत रहो, कुछ देर की बात है, अभी सबूत आ जाएगा, सब सामने आ जाए।
अगर कुछ गलत हुआ है तो सजा जरूर मिलेगी, और कुछ नहीं हुआ है तो झनक को कुछ नहीं होगा। और अब दादा की ये बात पर सब शांत होते हैं, पर बाबलू के अंदर आज तूफान है। मैं तो चुप रहूं बाबा, मैं क्या झनक पे भरोसा नहीं कर सकता? नहीं कर सकते हो ना, लेकिन सबूत देखने के बाद नहीं कर पाओगे। गौरता, अगर आप झनक को आग लगाते हुए देखेंगे उसके बाद भी उसी पे भरोसा करेंगे? और परिवार के बीच ये बात सुनकर अब बाबलू एक ही जवाब देता है, ऐसे दृश्य को देखने से पहले मैं मरना पसंद करूंगा। और अब शायद मीनू को पता चल ही गया है परिवार का हर एक सदस्य का चेहरा और झनक के प्रति वो सब क्या सोचते हैं। वाह दादा वाह, कमाल की बात करते हैं आप। यहाँ अपने माँ बाप भाई बीवी बच्चों की चिंता नहीं है आपको, और इस पराई लड़की के लिए आप मरने को तैयार हैं। और यही सबसे बड़ी विडंबना है बाबलू के लिए। झनक की बात नहीं है शुभम, बात है भरोसे की, बात है विश्वास की। अगर इसने मेरा भरोसा तोड़ा ना तो मैं शायद इतना भरोसा कभी किसी पे नहीं कर पाऊंगा। दादा आपसे किसने कहा उस लड़की पर अपना सब कुछ न्योछावर करके उस पर भरोसा करने के लिए? हमने तो उस लड़की पर कभी भरोसा ही नहीं किया, ना उससे कभी प्यार किया। पर अब मीनू सब कुछ समझ गई, तो ये नफरत ही है जो झनक के साथ ऐसा बर्ताव होता है और ये हुआ है। आपने तो उससे बहुत प्यार किया है, आई एम श्योर आपको तो बहुत ज्यादा बुरा लगेगा, आपका भरोसा जो टूटेगा, और कुछ ही देर में आपको आपके भरोसे का नतीजा भी दिख जाएगा। और ये सब सुन मीनू को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। कितना नफरत पनप रहा है बोस परिवार में, कुछ लोगों के सिवाय जिसमें छोटौन भी शामिल है। और अब सब देखते हैं कि विनायक और सृष्टि पहुंचे हैं और उन्हें लेकर आया है लाल वहां, और उनके स्वागत में उठते हैं सब। अच्छा किया अंकल आंटी आप आ गए, वैसे आपका आना बनता था, आपकी बेटी का सवाल है, हक है आपका भी सबूत देखने का। अब आगे देखिए क्या होता है, जहां सबूत के बुनियाद पर कई रिश्ते मजबूत होंगे और कई दम तोड़ेंगे। देखते रहिए झनक की सारी अपडेट्स यहीं कंप्लीट बॉलीवुड पर, जहां हम आपको बताएंगे कि पुलिस आने पर अन्नी का क्या रिएक्शन होगा जब सबूत सामने आएगा। अब सबूत देखने के बाद आपकी कही बात सच हो जाएगी, और जो लोग आपको गलत समझ रहे थे उनको अपनी गलती सुधारने का एक मौका मिल जाएगा।